गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मुंबई ची दर्शना। और आज मैं करने वाली हूँ कुछ चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंज नहीं है, ये थोड़े बहुत चैलेंजेस है। मैं आज करने वाली हूँ कुछ खट्टी मिट्टी चीज़ें ट्राई करने वाली हूँ और उसके रिएक्शंस कैसे होने वाले हैं मुझे नहीं पता है। ये चैलेंजेस मुझे मेरी मम्मी ने दिए हुए हैं। मेरी मम्मी ने बोला है कि ये ट्राई करके दिखा, उसके रिएक्शंस कैसे होने वाले हैं वो भी मुझे नहीं पता है। अभी हम लोग सोच रहेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और ये खट्टी मिट्टी चीज़ें, जैसे आज मैंने बोला खट्टी मिट्टी चीज़ें, क्या आपके मुँह में पानी आया? जैसे हम लोग नींबू के बारे में सोचते हो और हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मेरे मुंह में पानी आ चुका है। आप लोग के मुंह में पानी आया रहेगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट चैलेंजेस मैं क्या क्या करूँ कमेंट में जरूर बताइए। जो पहले 5 चैलेंजेस होंगे मैं जरूर ट्राई करूँगी करने के लिए। और आज मैं ट्राई करने वाली हूँ नींबू अचार, मिर्ची और चाट मसाला, और ये सब मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। और उसके रिएक्शंस कैसे होने वाले हैं मुझे नहीं पता है। क्या मैं ये खा पाऊँगी, क्या नहीं खा पाऊँगी, तो चलो हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ ये नींबू। इसको नींबू के बारे में सोच के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पर मैं ये इसको खा नहीं सकती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ नींबू, बहुत ही खट्टा लगता है। क्या आप लोग नींबू पूरा का पूरा खा सकते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो अभी मैं इसे काटने वाली हूँ और उसे मैं अभी खाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला नींबू मैं खाने वाली हूँ और उसके रिएक्शंस, फेस एक्सप्रेशंस कैसे होने वाले हैं वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे अजीब सा फील आ रहा है, बहुत खट्टा लगने वाला है, सोच के ही अजीब लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं ट्राई करूंगी कि मैं कोई रिएक्शंस नहीं करूंगी, देखते हैं विदाउट रिएक्शन हम लोग ये चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं क्या। तो अभी मैं इसे खाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही खट्टा था, मैं अपने एक्सप्रेशंस नहीं रुका पा रही थी। इतना ज्यादा खट्टा बन था कि मैं उसे नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ ये मिर्ची। ये ज्यादा तीखी नहीं होती है पर मैं ये ट्राई करने वाली हूँ बिकॉज मैं ज्यादा तीखा नहीं खाती हूँ। मैं बहुत ही कम तीखा खाती हूँ और ज्यादा करके मीठा ज्यादा चीज खाती हूँ। तो देखते ही इसे खा पाती हूँ कि नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये मिर्ची भी बहुत तीखी थी, अब देख सकते हो मैं ज्यादा तीखा खाती हूँ तो मुझे इचकी खाने लग जाता है और इचकी आना चालू हो गया, इसके लिए मैंने पानी पी लिया है फट से। Thank you.
ये चैलेंज बहुत टफ हो गया यार मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा तीखी थी ये वाली मिर्ची। कंट्रोल कंट्रोल। अब देख सकते हैं मेरे आंसू आ गए, मेरे पूरा आंख लाल हो गया अभी, बहुत ही गंदा फ्रेंड्स। ये वाला हरा मिर्च इतना भी हरा नहीं था, और ये वाला अगर मैं खा के इतने हालत खराब हो रही हूँ तो मेरा ज्यादा तीखा वाला जो मिर्ची होता है वो खा के मेरी क्या हालत होने वाली है मुझे नहीं पता है। थर्ड मैं ट्राई करने वाली हूँ ये अचार। अभी इसके अचार के रिएक्शंस कैसे होने वाले हैं, एक्सप्रेशंस कैसे होने वाले मुझे नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि इसे खाने के बाद मेरा जो तीखापन है वो बहुत कम होने वाला है, तो इसे मैं खाने वाली हूँ। मिर्ची के वजह से मेरे को अचार का टेस्ट ही ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा है। मिर्ची के ऊपर अचार खाने की वजह से ऐसा लग रहा है मैं मिर्ची का अचार खा दूं, वैसे तो ये आम का अचार है। मिर्ची का तीखापन जा रहा ही नहीं है अचार की वजह से भी नहीं, और वो खट्टापन भी नहीं महसूस हो रहा मेरे को। अभी भी तीखा लग रहा है। अभी लास्टली मैं खाने वाली हूँ ये चाट मसाला। नाक बहने लग गई यार। मुझे ऐसा लग रहा है मिर्ची को मैं बाद में खाती तो अच्छा रहता, अदरवाइज फर्स्ट खाती तो भी अच्छा रहता, क्यों किसी का भी टेस्ट इतना समझ में नहीं आ रहा है, सब मिर्ची का ही टेस्ट लग रहा है। तो चाट मसाले का थोड़ा बहुत जब भी मैं पूरा ये कर रही हूँ तभी मुझे फील हो रहा है। जैसे चाट मसाला सिर्फ चाट के ऊपर डाल के खाने में मजा आता है ना, ऐसे खाने में मेरे को नहीं अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत ही बेकार आ रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे दो तीन चीजें मैंने जो ट्राई की है। सो फ्रेंड्स ये थे थोड़े बहुत चैलेंजेस जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, बहुत ही वियर्ड एक्सप्रेशन थे, बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन मैंने दिए हुए थे। अगर मेरे एक्सप्रेशन आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को बहुत सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही चैलेंजेस वीडियोस अगर आप लोग को चाहिए कि मैं करूँ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही चैलेंजेस वीडियो मैं हर सैटरडे को अपलोड करूँ, तो मैं कौन से चैलेंजेस करूँ वो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। जितने भी हो सके उतने चैलेंजेस मैं करने की कोशिश करूँगी। तो चलो ये वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।